कोई शादी के 15 महीने बाद ही पत्नी को अकेला छोड़ गया, कोई देश के खातिर बच्चों को रोता बिलखता छोड़कर चला गया, तो कोई बूढ़ी माँ को हमेशा के लिए आंसू देकर शहीद हो गए। वतन पर मर मिटने वालों के परिजनों के लिए आगे बढ़ना आसान नहीं था, मगर उन्होंने खुद को समेटा और समाज के लिए मिसाल पेश की। या उन पत्नियों का जिगर है जिन्होंने अपने पति की तरह देश सेवा की राह को चुना और अब अपने देश का गौरव बढ़ा रही है। पुलवामा के अमर शहीद मेजर विभूति शंकर डोंडियाल की पत्नी नितिका डोंडियाल ने भारतीय सेना की वर्दी पहनकर अपने पति को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि दी। पति की शहादत के बाद उनके नक्शे कदम पर चलते हुए नितिका ने सेना में सेवा करने का मन बनाया और अब भारतीय सेना की यूनिफॉर्म पहन ली। साल 2018 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले में मेजर डोंडियाल शहीद हो गए। 14 फरवरी को उनके साथ सेना के 3 अन्य जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। शहादत के 9 महीने पहले ही मेजर डोंडियाल और नितिका की शादी हुई थी। नितिका डोंडियाल ने मेजर डोंडियाल को जिस तरह से अलविदा कहा था, उस दृश्य ने हर किसी की आंखें नम कर दी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम हमले में शहीद हुए नायक दीपक नैनवाल की पत्नी ज्योति नैनवाल अब भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट है। ज्योति ने चेन्नई में पासिंग आउट ट्रेनिंग अकादमी में अपना परीक्षण पूर्ण किया। उनके पति नायक दीपक नैनवाल अप्रैल 2018 में जम्मू कश्मीर के कुलगाम में घायल हुए थे। मई 2018 में वह वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनका 5 साल का बेटा और 8 साल की बेटी है। पासिंग आउट समारोह में ज्योति के 2 मासूम बच्चे भी आए थे जिन्होंने सेना जैसी वर्दी पहनी थी। शहीद का परिवार 3 पीढ़ियों से देश की सेवा कर रहा है। 15 जून 2020 को गालवान घाटी में चीनी सैनिकों से लड़ते हुए शहीद हुए लॉन्च नायक दीपक सिंह की पत्नी रेखा अब भारतीय सेना में अफसर बन चुकी है। तो दोस्तों, ऐसी वीर वीरांगनाओं को मेरा सत सत नमन। तो दोस्तों, सेना से जुड़ी तमाम खबरें पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।